तुझे भूख लगी होगी ना? ये ले सैंडविच। अब हम तीनों का एक और दोस्त बन गया है, इसे अब हम रोज मिलने आएंगे। वाओ पार्टनर, ये तो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, तुझसे भी ज्यादा। ओह, कितनी प्यारी डॉल्फिन है। वो प्यारी डॉल्फिन हमारी डॉल्फिन है। वो हमारी पेट है, उसका नाम गुलाबो है। मुझे गुलाबो थी मिलना है। और मुझे भी। ये पूरा क्लास का है खाली है, हम संडे को तो स्कूल नहीं आ गए। अरे दुबे, आज स्कूल में इतनी शांति क्यों है भाई? है ना, बच्चे दिख रहे हैं ना कोई शोर। सर, इसी बात पे तो हम भी कंफ्यूज़ आ गया हूँ, आज 26 जनवरी तो नहीं है। सर, सब बच्चा लोग स्कूल से भाग गया, आगे आगे बद्री और बुध और पीछे पूरा क्लास। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर सब निकल गए। क्या स्कूल में अनुशासन हो गया खत्म? अरे भाई प्रिंसिपल है हम। ये बद्री और बुध का बदमाशी है सर, फिर कोई नया उधम मचा रहा है ये दोनों। कहाँ है डॉल्फिन? हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारी गुलाबो? गुलाबो, जरा शक्ल दिखा दो। लगता है बद्री और बुध ने फिरते बुद्धू बनाया है। गुलाबो, पानी में खड़ी हो जा। अब सब बच्चों में पानी डालो। स्कूल छोड़कर किधर भागे थे तुम लोग कल? हैं? बताओ, प्रिंसिपल है हम। सर, ये दोनों बदमाशों से पूछिए, सब बच्चों को फुसलाने में इनका ही हाथ है। थल इन दोनों ने एक डॉल्फिन पाल रखी है लेक में, हम तब उठी को देखने गए थे। हैं? अरे ये सच है के? डॉल्फिन वाली बात सच है क्या बद्री और बुद्ध? बोलो। यस सर। भाई डॉल्फिन तो हमें भी घनी पसंद है, हमें भी मिलवा दो, उससे डॉल्फिन डॉल्फिन खेलेंगे। तुम दोनों ने मुझे बचपन की याद दिला दी। मेरे पास एक भैंस थी गुलाबो। इमोशनल कर दिया मुझे तुमने। सर, अब हम इसके साथ रोज खेलने आ सकते हैं? बच्चों, ये इसका घर नहीं है, इसको बड़ा समंदर चाहिए रहने के लिए। पर सर, सी से तो हम इसे लाए थे, ये सी में रहना नहीं चाहती। वो तो इसे चोट लगी थी इसलिए, और अब ये काफी बड़ी हो चुकी है, इसे हमें वापस समंदर में छोड़ना पड़ेगा।